उत्तरी सिक्किम के जेमा में सेना के एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से सेना के 16 जवान शहीद हो गए और 4 अन्य घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा मोड़ लेने के दौरान वाहन के फिसलने से हुआ। दुर्घटनाग्रस्त वाहन घाटी में गिर गया। बताया जा रहा है कि जिन जवानों की हालत गंभीर है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि आज सुबह सेना के 3 वाहन जवानों को लेकर जा रहे थे। ये बेड़ा चाटन से थंगू की ओर जा रहा था। गिमा के रास्ते में तेज बहाव के कारण चालक ने अचानक वाहन से नियंत्रण खो दिया और वाहन नीचे घाटी में जा गिरा। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। 4 घायल जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से घाटी से रेस्क्यू किया गया है। इस हादसे में कुल 16 जवान शहीद होने की जानकारी सूत्रों से मिली है, जिनमें 3 जूनियर ऑफिसर और 13 जवान घायल हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय सेना इस त्रासदी के मौके पर शोकाकुल परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है।